नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सांप के जहर सप्लाई मामले में एल्विश यादव से पूछताछ चल रही थी और ये भी खबर सामने आई थी कि आखिर पूछताछ के दौरान एल्विश यादव ने ये कबूल कर लिया कि हाँ, वो इस पूरी ड्रग सप्लाई चेन में शामिल था। अब जैसे ये खबर सामने आई, ना सिर्फ सेलेब्स, उनके फैंस, बल्कि यूट्यूबर्स के भी इस पर तरह तरह से रिएक्शन सामने आ रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर दूसरे यूट्यूबर्स का एल्विश यादव की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहना है। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका and you are watching Bold Sky। देखिए, कुछ समय पहले एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी की दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थी। दोनों के भाईचारे की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियाँ बटोरी। अब एल्विश यादव की गिरफ्तारी पर सबसे पहले मुनव्वर फारूकी का रिएक्शन सामने आया। जी हाँ, उन्होंने एक प्राइवेट मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, माई फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, द बैटरी वॉज दैट, आई डोंट नो How all these happened? यानी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि एल्विश के साथ ये कैसा हो गया। मेरी फ़ोन की बैटरी डेड थी, मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि एल्विश यादव अरेस्ट हो गया है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में चला गया हूँ। वैसे पेपॉय नाम के यूट्यूबर पेज ने तो इतना लंबा चौड़ा वीडियो ही इस बात पर शेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात मान रहे हैं कि आप ड्रग एडिक्शन चेन में किसी भी तरह से शामिल थे, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। किसी को ड्रग्स की लत लगवाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसकी कम से कम सज़ा 7 से 10 साल, या डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, पर मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा। वहीं ठगीज़ अनफिल्टर्ड नाम के यूट्यूब पेज ने भी ये कहा कि अगर एल्विश यादव ने ऐसा जुर्म किया है, तो उसे पनिशमेंट यानी कि सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, जो बिल्कुल वाजिब है। पर वहीं जहां तमाम यूट्यूबर्स एल्विश यादव के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, श्रेय आर्मी नाम की यूट्यूब पेज ने एल्विश यादव का सपोर्ट कर दिया है। जी हां, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि एल्विश यादव हिंदू है, वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं और यही वजह है कि उन्हें एक फर्जी मामले में धमकाकर एक फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि कुछ समय पहले एल्विश यादव की मॉम का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बिलक बिलक कर रोते हुए नजर आ रही थी, जिसे देखने के बाद तमाम टीवी जगत के सितारों ने भी एल्विश यादव का सपोर्ट किया था। ना सिर्फ टीवी जगत के सितारों ने, बल्कि एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड भी एल्विश के सपोर्ट में उतर आई थी। अब एल्विश यादव जेल के अंदर बंद है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एल्विश यादव का अरेस्ट फेयर है या अनफेयर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद बोल्ड स्काई। तब तक के लिए गुड बाय।